अस्सलाम वालेकुम, बता दूँ हमारे स्टूडेंट्स, तो मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार कोजिनस, दैट्स ऑक्सीजन फैमिली। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार कोजिनस ऑक्सीजन फैमिली की जो के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दियर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दियर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP4। इसका मतलब दे हैव सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इनके वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे हैव सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो दियर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP4, ठीक है ना। तो हर एक जो एलिमेंट है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, छह इलेक्ट्रॉन्स है NS2NP4। तो यहाँ पे जो पहला मेंबर है दैट इज ऑक्सीजन, वी हैव सल्फर, वी हैव सिलीनियम, वी हैव टेलुरियम एंड वी हैव प्लूनियम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन है, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड प्लूनियम। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इट्स 8, दिस इज 16 एंड दिस इज 34 एंड दिस इज 52 एंड दिस इज 84, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स हीलियम 4, ये है 2s2 2p4, ठीक है ना। हो गए 4 2 6 2, हो गए 8। ऐसे ही हम लिखेंगे हीलियम, यहाँ पे है नियॉन कोर, यहाँ पे है आर्गन कोर, यहाँ पे है क्रिप्टन कोर, यहाँ पे है ज़ीनान कोर, ठीक है ना। तो ये है 2s2, यहाँ पे है 3s2 3p4, यहाँ पे है 3d10, अब है 4s2 4p4, यहाँ पे है 4d10, अब है 5s2 5p4। तो यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ d का, अब इसका f भी होता है तो 4f14, ये है 5d10, अब है 6s2 6sp4। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चालकोजन। तो ये है NS2NP4, यहाँ पे भी NS2NP4 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 NS2NP4। तो यहाँ पे जो बेटा n है दैट इज 2, यहाँ पे n जो है दैट इज 3, यहाँ पे n जो है दैट इज 4, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है दैट इज 5, तो यहाँ पे जो n है दैट इज 6, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चालकोजन, ठीक है ना, चालकोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इससे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, तो आज हम इससे पहले कि वो हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम एक जनरल प्रॉपर्टी इनकी देखेंगे, दैट इज देयर एलिमेंटल स्टेट। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग देयर एलिमेंटल स्टेट, तो इनका जो एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, तो कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में होता है, दैट इज द एलिमेंटल स्टेट, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे एलिमेंटल स्टेट, तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, दैट इज एलिमेंटल स्टेट, दैट इज एलिमेंटल स्टेट। इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंटल स्टेट, इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, व्हाट अबाउट देयर एलिमेंटल स्टेट। सो वी हैव द फर्स्ट मेंबर दैट्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात है अगर हम करेंगे, सो इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट होता है एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एंड इट्स गैस एट रूम टेम्परेचर। तो इसकी जो स्टेट है दैट इज ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है बेटा वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका इसमें जो ऑक्सीजन है डायटॉमिक है, तो ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इट्स ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। अगर हम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की बात करेंगे, वी हैव सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको उसके लिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच होता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो उनमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो ये सल्फर, सिलीनियम एंड टेलुरियम बेटा, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये एग्जिस्ट होते हैं एज दे आर देयर एटॉमिसिटी इज 8 एंड दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हम बात करेंगे सल्फर की, इट इज S8, सिलीनियम की Se8 एंड टेलुरियम की Te8, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एटम्स हैं सल्फर दूसरे सल्फर के साथ लिंक होता है बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं,
सो दीज एलिमेंट्स दे डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दे डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते, अगर हम सल्फर की बात करेंगे, सेलेनियम की, टेलुरियम की, तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, तो वजह क्या है, ऑक्सीजन जो है बेटा इसका साइज स्मॉल है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम की, तो यहाँ पे जो है एक सल्फर दूसरे सल्फर एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स से ये एक यहाँ पे एक ऑक्टोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इस एतबार से ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे सल्फर की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सल्फर इट्स एटॉमिसिटी इज, तो इफ वी टॉक अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इट इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड इफ वी टॉक अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, दे आर ऑक्टेटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, इट हैज गॉट ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करेंगे, दे हैव गॉट ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, स्पेशली सल्फर, इट हैज गॉट ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो सल्फर की जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे, इसको यह सल्फर की स्ट्रक्चर बेटा, यहाँ पे यह है सल्फर की स्ट्रक्चर, सो दे हैव गॉट ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो दे हैव गॉट ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, तो यह है S8, यह है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सल्फर की पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ S8। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ चार क्वेश्चंस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंटल स्टेट। तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।